विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस, भारत में लगातार बढ़ते संक्रमित, मौत के आंकड़ों में भी इजाफा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में कोरोना वायरस तीसरे स्टेज की तरफ जा रहा है? क्या भारत में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है? पहले जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय का क्या कहना है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 354 नए मरीज आए सामने। कोविड-19 से निपटने के लिए सिस्टम तीन भागों में बांटे। कोरोना मरीज की इलाज के लिए बनेगा कोविड अस्पताल। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हेल्प सेंटर भी बनेंगे। दरअसल एक दिन पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि भारत के कई इलाकों में कोरोना वायरस तीसरे स्टेज में है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की हर संभव कोशिश जारी है। देश में कोरोना संक्रमित 354 मरीज ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन पर सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा। क्वारंटीन लोगों की निगरानी की जा रही है। भारतीय रेलवे ने 2500 रेलवे कोच में 40,000 आइसोलेशन बेड बनाए हैं। देश के 133 हिस्से में हर दिन 375 आइसोलेशन बेड बनाए जा रहे हैं। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ते कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। अब बात करते हैं लॉकडाउन की। देश में कोरोना संकट के बीच 21 दिनों का लॉकडाउन है। लॉकडाउन 14 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि 15 अप्रैल से फेज मैनर में लॉकडाउन हटाए जाएंगे, लेकिन कोरोना वायरस के कारण लगाए गए 31 दिनों के लॉकडाउन को केंद्र सरकार बढ़ा भी सकती है। दरअसल कई प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर कई एक्सपर्ट्स ने भी लॉकडाउन को कुछ हफ्ते के लिए और बढ़ाने की बात भी कही है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या अचानक तेजी से बढ़ी है। इसको देखते हुए राज्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग कर डाली है। बड़ी बात यह है कि मंगलवार को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसमें कोरोना संकट और लॉकडाउन पर बातचीत की गई। खास बात यह रही कि मीटिंग में लॉकडाउन को हटाने या बढ़ाने पर फैसला नहीं लिया गया। अभी हालात पर नजर रखी जा रही है। लॉकडाउन पर फैसला बाद में लिया जाएगा। इसके पहले सोमवार को भी मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें लॉकडाउन को हटाने के लिए मंत्रियों से प्लान मांगे गए थे। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉकडाउन पर प्लान मांगा था। राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रियों के प्लान को देखते हुए केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था। लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों में कोरोना के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 2 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। अभी भारत में 4000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं, जबकि 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। कुल मिलाकर यह है कि लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला जल्द ही लिया जा सकता है। इस खबर में इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए प्रभातखबर.com के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।